मित्रों जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आज के दिन के दैनिक राशिफल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों 6 अप्रैल के शाम 4:37 से महाकाल महादेव जीवन में कुछ बढ़िया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कन्या राशि के लोग नाचने लोगों की आप सुनकर एक औरत लाने वाली हैं खुशियाँ, जीवन में कुछ बढ़िया कार्य होने वाली हैं। दोस्तों कुंडली में बन चुका है यह 3 बड़े चमत्कारिक महाचमत्कारिक योग। जीवन में आप खुशियों के साथ बहुत ही सारे खुशियों के सैलाब आने वाले हैं, तो कुछ बड़ी परिस्थितियों का निर्माण होने वाले हैं, तो कुछ बढ़िया स्थितियों का चीज़ों से लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा, किस प्रकार खुशियाँ हासिल होंगे, चमत्कारिक योगों का निर्माण किस प्रकार होगा, क्या घटनाएँ आपके जीवन पर होने की संभावनाओं का निर्माण हो सकता है, आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसा रहेगा और किस प्रकार से खुशियाँ हासिल होंगे, बहुत ही सारी परिस्थितियों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार विशेष चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। आप लोगों के लिए आज के दिन का व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्त हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के जीवन में किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काजू कौन तीव्र ताक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंग भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपोर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा अवश्य देखें, ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में परिस्थितियों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक जरूर आप सभी बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्ति कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से जरूर लिखने के लिए कोशिश करें। तो दोस्तों आज के दिन हैं काफ़ी बढ़िया हैं और आप लोगों के जीवन में काफ़ी बढ़िया स्थितियों का निर्माण हो सकता है, तो कुछ बड़े परिस्थितियों का निर्माण से कुछ बढ़िया कार्य हो सकता है, तारीफ़ काबिल हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आज आप लोगों के मनपसंद भी कार्य हो सकता है, पिछले कुछ समय से चली आ रही है जिसमें सुकून की तलाश में थे आज उसे हासिल कर ही लेंगे। लोगों के साथ आपका मधुर और सहयोग रूप से व्यवहार आपके सभी को और भी अधिक निखार सकता है, व्यवहार आपके सभी को अधिक से अधिक निखार सकता है, कुछ नई योजनाएं बन सकते हैं, कार्य रूप देने के लिए अनुभवी लोगों का सहयोग भी रह सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा जरूरत कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला गलत साबित हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी और सहजताओं से रखने की जरूरत रह सकते हैं। आर्थिक तंगी आर्थिक मामलों में आपका हाथ कुछ तंग रह सकता है, अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत करने की जरूरत रह सकती है। आपका व्यावसायिक सपना साकार होने वाला हो सकता है, जल्द ही कोई उपलब्धि हासिल हो सकते हैं, अपने अथक प्रयास और योग्यता के द्वारा अपने कार्य को उचित रूप से तरीके से कर पा सकते हैं। कमीशन तथा बीमा से सम कार्य में उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिलने के योग आसार बढ़ सकते हैं, आपस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रख सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकते हैं। बाहरी लोगों को घर के मामलों में हस्तक्षेप न करने दें, मौसम के बदलाव का जो है प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लापरवाही न करें तथा तुरंत उचित रूप से इलाज को करना हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवार की उपेक्षाओं को ध्यान में रख सकते हैं, परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ बार बार आप लोगों को विवाद न करें, विवाद में किसी भी व्यक्ति के सम्मान को जो है ठेस न पहुँचे, यह ध्यान रखना होगा। उच्च शिक्षाओं से साथ निर्णय भविष्य के लिए आगे बढ़ने से राहत मिल सकते हैं, विवाह से जुड़े निर्णय पर अमल करने के लिए धीरे धीरे प्रयास को करना हो सकता है, विभिन्न समस्या हो सकते हैं या चीज़ों को लेकर विकसित करने का कार्य हो सकता है। जिस भी प्रकार के आज किसी भी ऐसे व्यक्ति से मुलाकातें हो सकती हैं जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, कुछ नए विषयों पर जानकारी भी हासिल हो सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांट कर रात को समय अपने लिए जरूर निकाल कर सकते हैं, विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों में सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम हाथ से निकल सकते हैं, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी होगा, अपना आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, बैंक या निवेश से साथ काम न हो जाने से मन में झुंझुलाहट रह सकते हैं, आर्थिक मामलों में हाथ भी तंग रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास को करने होंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिल सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधित कोई प्रपोजल भी आ सकता है, आप
ऑफिस की गतिविधियां समय अनुसार पूरी हो सकते हैं। पारिवारिक संबंध भी मधुर रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रह सकते हैं। तनाव ज्यादा वाली परिस्थितियों से दूरी बनाए रखें। सिरदर्द और साइकिल की समस्या परेशान कर सकते हैं। आज के दिन आपके पक्ष में हो सकता है। सरकारी कामों को आगे बढ़ाने के लिए दिन लाभदायक हो सकता है। दस्तावेज से काम आसानी से हो सकते हैं। जिन भी कामों के लिए अनुमति की आवश्यकताएं हैं ऐसे कामों को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रभावशाली व्यक्ति की मदद ले सकते हैं कर सकते हैं। करियर से साथ बड़ा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है मिल सकता है। जनसद जिससे लोगों से बीच में अपनी पहचान को लेकर बना पाना संभव हो सकता है। जब तक व्यक्ति रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए शरीर की गर्मी को नियंत्रण में रखना आवश्यक हो सकता है। चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सजावटी सामान के व्यापारियों के लिए राहत वाली बात रह सकते हैं। भारी मशीन की खरीदारी कर सकते हैं। अपने आसपास के वेतन या गतिविधियों पर गहरी नज़र रख सकते हैं। थकावट अधिक रह सकते हैं। चीज़ों को लेकर विकसित करना हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ के असीम कृपा दृष्टि जीवन पर बने रह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें आज किसी भी प्रिय मित्र से संबंधित से आत्मा मित्र से मुलाकातें हो सकते हैं। आपसे विचारों के आदान प्रदान से कई हल मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही आप लोगों को जो है शुरुआत से ही आप लोगों के जो है कार्य को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी वरिष्ठ सदस्य से आपको मनपसंद उपहार मिल सकते हैं। कोई अमूल्यवान वस्तु अथवा फिर अथवा पॉलिसी आदि में पैसा लगाने के लिए आज समय अनुकूल नहीं है। दोपहर के बाद कोई अप्रिय सूचना मिल जाने से घर में उदासी का माहौल बन सकता है। जी हाँ दोस्तों उदासी का माहौल बन सकता है। यह समय मनोबल को मजबूत रखना जरूरी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ा रह सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका ज़्यादा अनुशासित व्यवहार की वजह से ही कर्मचारी आपसे कुछ नाराज रह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज महिलाएँ अपने व्यवसाय के प्रति ज़्यादा सहज रह सकते हैं। सफलता हासिल कर सकते हैं। घर में परिवार में सुकून सावर भरा माहौल रह सकता है। आज प्रेम संबंधों का असर भी घर की व्यवस्थाओं को खराब कर सकता है। आपको स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। ज़्यादा तनाव के कारणों की वजह से आप लोगों को दूर रहने होंगे। आसपास की ऊर्जा बदलने के लिए प्रयत्न करने होंगे। बेकार की बातों पर आपको विचार करने से आपका आत्मविश्वास जो है कमजोर पड़ सकता है। जो बातें आपके पक्ष में हैं उन पर आपको काम न करने से परिस्थितियाँ आपके खिलाफ बन जा सकते हैं। हर एक बारी की पर ध्यान देते हुए योजना बना सकते हैं। व्यापार से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक लोगों तक आपका व्यापार कैसे पहुंचाया जा सकता है इसका विचार करना हो सकता है। पार्टनर्स अपने अपने बातों में व्यस्त रह सकते हैं। रिलेशनशिप से जुड़े चिंताएं महसूस नहीं होंगे। शुगर से जुड़े तकलीफें बढ़ने की आशंका रहेंगे। चीज़ों को सकारात्मक नजरिए से देखना हो सकता है। राज्य या स्त्री प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समय अच्छा रह सकता है। लकड़ी के फर्नीचर की कारोबारी लाभ में रह सकते हैं। खिलौनों के थोक विक्रेताओं के लिए लाभकारी स्थिति रह सकते हैं। पेट से जुड़े परेशानियां भी आप लोगों को हो सकते हैं। सरकार की ओर से भूमि का बकाया मुआवजा मिल सकता है। किसानों को उपज समुचित लाभ मिल सकता है। बागवानी का काम लाभ दे सकता है। अपने उत्साह को नियंत्रण में रखना हो सकता है। जल में चंदन डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना आपके लिए ज्यादा